हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अभी किसी ने अभी फ़िलहाल कमेंट करा था मेरे को, शायद एक या तीन हफ्ता हो गया इस बात को, तो उन्हें बोला था कि अगर एक्सरसाइज करेंगे यानी कि जिम में जाके वर्कआउट करेंगे तो क्रिकेट में मतलब खेलने में स्टिफनेस आएगी। अब वो स्टिफनेस बोली थी उन्हें, अब कुछ लोगों के अंदर डाउट होता तो उसी को डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम स्टिफनेस में नहीं है, प्रॉब्लम मिथ में, काल्पनिक बातें जो चलती है ना इंडिया में उसकी वजह से होती है। आप एक्चुअल में अगर जिम में जाके वर्कआउट करोगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी क्रिकेट में, बल्कि आपका गेम जो है और अच्छा हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बना लो, एकदम इतनी हाईली मतलब होता है ना हाईली मसल गेन बॉडी भी नहीं बनानी आपको, आपको केवल इतनी बॉडी बनानी है लगभग आपका BMI जो है ना, बॉडी मास इंडेक्स, वो नॉर्मल हो जाए और आपके थोड़े मसल्स वगैरह दिखने लगे जैसे मेरे हैं वैसे आपके दिखने लगे, और थोड़ी आप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करने लगो। स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट गेन करो, मतलब आपका जो वेट लिफ्टिंग, जैसे अब मैं मेनली कितना 10 kg से शोल्डर प्रेसेस लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको कितना 20 kg से शोल्डर प्रेस लगाना है, उसके जो रेप टाइट 10-12 नहीं लगाने, आपको आपको 2, 4 या 6, 8, 6 तक ही रखना है, 6 या 8 तक, उससे ज़्यादा आपका रेप नहीं जाना चाहिए, सेट आपके 3 से 4 ही रहने चाहिए। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, आप जितने ज़्यादा वेट उठाओ कम से कम रेप में, तो वही आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, उससे ही आप अपनी बॉडी की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। और जितने भी क्रिकेटर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं, रणजी ट्रॉफी के क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, सब ये लोग स्ट्रेंथनिंग ही करते हैं और मेनली उनकी डाइट अच्छी रहती है, इस वजह से वो लोग अच्छा क्रिकेट खेल पाते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स मेरे हाथ में देख लो, ये रेसिस्टेंस बैंड है, ये बहुत ज़्यादा काम आती है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, वार्म अप करने के लिए बहुत बढ़िया ये रहता है। आप जैसे आप अपने यहाँ पे फंसा लो, उसके बाद ऐसे कर सकते हो, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे भी आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। मेनली आपका जो क्रिकेट है वो स्ट्रेंथ पे काम करता है, यहाँ पे आपका स्टिफनेस कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर आप बाइसेप आपका एकदम पतला सा है, मतलब बाइसेप इस मसल को बोलते हैं बाइसेप, इस मसल को बोलते हैं ट्राइसेप, अगर आप अपने इस मसल को मतलब जैसे देसी भाषा में बोलते ना डोले, तो अगर आप अपने डोले भी बना लोगे ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके क्रिकेट में, बल्कि आपका गेम और अच्छा हो जाएगा। आपको सफिशियंट आपको बॉडी रखनी है, एकदम बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए या तो एकदम बहुत पतली भी नहीं रहनी चाहिए, इतनी बनाओ कि आप अच्छे से क्रिकेट खेल पाओ। विराट कोहली बहुत अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ के लिए, अच्छी खासी बॉडी है क्योंकि मॉडलिंग वगैरह भी करना रहता है और क्रिकेट भी खेलना पड़ता है, जिम में वर्कआउट सब हो जाता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, स्टिफनेस बॉडी में नहीं आती है, आप शोल्डर की करो, चाहे आप बाइसेप की करो, चाहे आप कोर स्ट्रेंथनिंग करो, चाहे थाइस की, लेग्स की, काफ रेसेस, एक्स वाई जेड कुछ भी करो, आपकी कहीं पे भी स्टिफनेस नहीं आएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अगर एग्जांपल के तौर में मैं आपको बॉलिंग करके भी दिखाता हूँ कि आप मेरी बॉडी देख ही सकते हो, ये मैंने अच्छे खासे मेरे को 1-2 साल हो ही गया है बाइसेप करते करते, बाइसेप फुल बॉडी वर्कआउट, तो वीडियो में आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे हाथ में ये बॉल सीम वाली, एक बार आप देख लो, 4 पीस है। अब मैं आपको 2-4 बॉल डाल के दिखाता हूँ, जबकि मैंने अच्छे खासे बॉडी बना रखी है, तो आप देख सकते हो स्टिफनेस नहीं आती। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सब दिखाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली आपने देख लिया, मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ, जिम भी जा सकता हूँ, स्टिफनेस कहीं नहीं आई। और अगर स्टिफनेस अगर आपको आती भी ना, तो एक मेन कारण है कि आप अच्छे से वार्म अप नहीं करते हो, यानी कि आप अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग नहीं करते कोई भी एक्सरसाइज, या जिम जाने से, या क्रिकेट खेलने से पहले, या मैच खेलने से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की होती है आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगा, कोई आपको डाउट है तो वो भी कमेंट करके बताओ, और शेयर करो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अगर इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।